उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 1:45 पर काशी पहुंचेंगे। वहीं से काशी और देश को 6,611.18 करोड़ की 23 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें काशी की 380.13 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 2,874.17 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। सिमरा स्टेडियम के दूसरे और तीसरे चरण के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी होगा। इस स्टेडियम में 27 में से 22 ओलंपिक खेलों के लिए तैयारी, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के आयोजन की सुविधा है। प्रधानमंत्री आज बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हरिहरपुर स्थित आरजे शंकर नेत्र चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे। साथ ही कांची काम कोटी पीठ के शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती की मौजूदगी में प्रधानमंत्री प्रबुद्ध जनों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शाम 4 बजे सिगरा स्टेडियम पहुंचेंगे। स्टेडियम से ही देश की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर के पार्टी के पदाधिकारियों के साथ आज यहाँ पर भ्रमण किया गया है और इस तरह की हम लोग व्यवस्था बनाने की ये प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता को भी कोई तकलीफ ना हो और रैली में जो लोग आए उनको बहुत कम चलना पड़े और वो सभा स्थल तक पहुँच जाए। इसके अलावा एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान यहाँ पर रहेगा। कई स्तर की सुरक्षा योजना हमारी है जिसमें मल्टीपल लेवल ऑफ लेयर्स रहेंगे, उसमें हमारे ATS के जवान रहेंगे, SPG तैनात रहेगी। इसके अलावा करीब 5,000 पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। रूफटॉप ड्यूटी लगेगी, ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सादे कपड़ों में भी यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों ही सभा के में और सब जगह लगाए जाएंगे। ट्रैफिक की इस तरह व्यवस्था की जाएगी कि कहीं पर जाम न लगे।